नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अपना एयरटेल को 4G में अपग्रेड कैसे करना है 3G। तो मेरी मम्मी का ये फ़ोन है, पहले ये फ़ोन उनके पास डब्बा वाला फ़ोन था, तो अब उनको जो है सो स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो मेरा ये स्मार्टफोन मैं पहले ही मैं यूज़ करता था, तो अब मैं मम्मी को दे दूँगा। तो ये जो फ़ोन है नोकिया का है, और इसको बेसिकली ये 4G फ़ोन है, तो इसको 4G में अपग्रेड करना है 3G सिम को। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्विस सेंटर कहा गया यार, किसी भी फ़ोन सिम वेंडर के पास जाना जो सिम बेचती है, उसके पास ये एयरटेल वो जो है इसका जो अपग्रेड सिम होता है, जो खाली सिम होता है वो ले लीजिएगा। देखिए ऑल इन वन सिम MNP CYN अपग्रेड, तो ये बेसिकली लेना है आपको। और यहाँ पर हम झांप दिए हैं क्या बोलते हैं सिम नंबर, क्योंकि ये प्राइवेसी का मैटर है। उसके बाद जब आप सिम ले लीजिएगा, तो सिम फ्री है, वैसे बहुत लोग पैसा भी लेते हैं इसके लिए, 30 रुपया, 20 रुपया या 50 रुपया, या कोई कोई तो कहीं कहीं 100-100 रुपया ले लेता है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्री होता है। तो ये आप लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली अपना जो सिम है जिसमें फ़ोन में लगा हुआ है, उस फ़ोन को ओपन कीजिएगा और रॉन्ग पिन देखिए खुल गया। उसके बाद आपको मैसेज खोलना है, और मैसेज में जाने के बाद एक नया मैसेज टाइप करना है 1-to-1 को। देखिए 1-to-1 को हम मैसेज भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं कि सिम लिखने के बाद कैपिटल में, उसके बाद सिम नंबर जो है उसको भेज देना है। उसके बाद मैसेज आएगा रिप्लाई में, डियर कस्टमर वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर सिम चेंज ऑन योर एयरटेल मोबाइल, प्लीज़ डू नॉट प्रोसीड इफ़ यू डू नॉट हैव न्यू एयरटेल सिम विद यू फॉर अकाउंट सिक्योरिटी एंड टू अवॉइड द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, इनकमिंग एंड आउटगोइंग SMS सर्विसेज विल बी ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। इफ़ टू कन्फर्म योर सिम चेंज रिक्वेस्ट प्लीज रिप्लाई 1। उसके बाद 1 रिप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद थैंक यू न्यू सिम विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली फॉर योर एयरटेल मोबाइल, ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद है ओल्ड सिम विल वर्क टिल द न्यू सिम गेट्स एक्टिवेटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इनकमिंग एंड आउटगोइंग SMS सर्विस विल बी रिमेन ब्लॉक्ड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि थैंक यू वी विल कॉल यू शॉर्टली टू रिकन्फर्म योर सिम चेंज रिक्वेस्ट फॉर एयरटेल मोबाइल फलाना चिलाना, दिस इज रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड यू फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, प्लीज गिव योर कंसेंट ओवर द कॉल ओनली इफ यू हैव द फिजिकल सिम विद यू, योर सिम चेंज रिक्वेस्ट विल बी कैंसल इफ द इफ डू नॉट रिसीव, वी विल रिक्वेस्ट विल गेट कैंसल इफ वी डू नॉट रिसीव योर कंसेंट ऑन कॉल, यू मे ऑल्सो कॉल 56565 एंड गिव योर कंसेंट विदिन 2 आवर्स। तो इतना करने के बाद जो है सो आपका सिम जो है सो बेसिकली कुछ देर नेटवर्क रहेगा इस सिम में, उसके बाद अपने आप नेटवर्क गायब हो जाएगा, और उसके बाद बेसिकली इस सिम में जो है सो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद इस सिम को लगाना है। लेकिन अभी जो है सो कॉल करने के लिए बोल रहा है, उस नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों जो है सो बोलता है सिम अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो अभी हम वेट करेंगे कि कब जो है सो थोड़ी देर उसके बाद जो है सो वापस से कॉल लगाएंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। तो भाई लोग, लगभग 4 घंटा हो चुका है, और अब जो है सो सिम हमारा देख सकते हैं, हम जब सिम चेंज किए तो 4G देख सकते हैं, यहाँ पे 4G आ चुका है, और ये सिस्टम अपडेट आ गया, और मतलब 4G अब काम कर रहा है। मतलब करीब करीब जो है सो 4 घंटे बाद जो है सो बेसिकली आपको करना है, शुरू से बता दें प्रोसीजर, जो सिम आप लाएंगे ख़रीद के उसको बेसिकली क्या करना है, उसमें SMS करना है, आपको दिखा देते हैं। क्या हुआ, ये रहा 1-to-1। उसके बाद आपको SMS करना है, सिम लिख के इतना SMS करना है आपने, मतलब कि जिस नंबर को 4G में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो नंबर सिम नंबर होता है ये ऊपर में देख रहे हैं, इसको एंटर करना है, और उसके बाद एंटर कर देना है। उसके बाद जो है सो 1 लिख के जो है सो ये आएगा, उसके बाद 1 लिख के 1 टाइप करके जो है सो फिर से भेज देना, उसके बाद बोलेगा एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगा, उसमें आपको बेसिकली चूज करना होगा कन्फर्म करने के लिए जो है सो बेसिकली फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए जो है सो बेसिकली वो Realme 5, हाँ तो Realme 5 ऑर्डर किए हैं इसलिए जो है सो आ रहा है। तो उसके बाद बेसिकली जो है सो क्या बोल रहे थे यार,
जो है सो मतलब फ़ोन आएगा, उसके बाद आपको जो है सो बेसिकली उस पर 1-2 जो भी आपको कहे दबाने के लिए उसके हिसाब से आपको 1 शायद हम मेरे केस में 1 दबाए थे, आपके केस में हो सकता चेंज हो जाए, तो 1 आपके केस में जो भी होगा उसको दबा लेना है और उसके बाद जो है सो फ़ोन अपने आप कट जाएगा। उसके बाद जो है सो आपका लगभग कुछ घंटे में आपका सिम जो है सो चेंज हो जाएगा, और उसके बाद सिम जब आपका उस नेटवर्क उसमें से नेटवर्क गायब हो जाए तो सिम चेंज कीजिएगा, तो फिर नया सिम में आपका नेटवर्क आ जाएगा। और उसके बाद नेटवर्क आने के बाद जैसे कि नेटवर्क आ चुका है मेरे में, उसके बाद बोला था रीस्टार्ट करने के लिए सिस्टम को, तो हम रीस्टार्ट नहीं किए थे, हम आपको दिखाने के लिए रीस्टार्ट नहीं किए थे, उसके बाद हम रीस्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट करने के लिए पिन मांग रहा है, तो हम पिन डाल देंगे। उसके बाद स्टार्टिंग एंड्रॉइड, तो फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। देखिए 4G नेटवर्क आ गया अपने आप, बहुत जल्दी आ गया इस बार। तो उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा सा बहुत लेट है, लेकिन इतने सालों बाद हम अपग्रेड किए हैं अपने सिम को, पहले डब्बे वाले फ़ोन में था ये मेरे, और ये मेरी माँ का फ़ोन है नया सा। तो अगर वीडियो वैसे तो पुराना है, मतलब ये पहले बता देना चाहिए आज से 3-4 साल पहले, लेकिन फिर भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो पता है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, पीस।